These kind of topics, listening and texting for the very first time, thank you so very much. And nice of you, Iman. बहुत शुक्रिया आपका भी. अब इसमें देखिए ना कुछ अब मैं ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि नेगेटिविटी, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूं तो मुझे कभी नेगेटिविटी ने अप्रोच नहीं किया होगा या मुझे ये लोग मेरे पे इम्पैक्ट नहीं डालते होंगे. सिर्फ इतना है कि मैं वो जो थोड़ा सा ग्राफ है पॉजिटिविटी का उसको ज्यादा रखता हूं. आई नो द इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है, कि जो एक बुराई होती है उसकी क्या इंटेंसिटी होती है और उसका कितना जबरदस्त थोड़ी हो ना अगर, तो भी उसका मतलब आपके आप में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है लेकिन नेगेटिविटी थोड़ी है, ठीक है, तो वो जो थोड़ी है ना वो बाजी लेके जा सकती है उस पर. लेकिन उसके लिए आपको बिहेव करना पड़ता है और बड़ा डिटरमिन रहना पड़ता है आपको. और एक दफा अगर आप ये आदत डाल लेना, आपको अप्रोच कर लिया नेगेटिविटी ने, तो फिर ये बहुत आपका बुरा हाल करके रख देती है. और जमाने में यही सब कुछ फैला हुआ है, ठीक है. आप देखें क्या कुछ हम देख रहे हैं, हमारी क्या चीजें हमारी प्रायोरिटीज बन चुकी हैं, हमें किन चीजों को देख के मजा आता है, हम कैसे रहना पसंद करते हैं, और हमारी वैल्यूज जो है उनकी धज्जियां उड़ी हुई हैं. हमारे मतलब नजर नहीं आता हमें कोई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज हमें नजर नहीं आती है. और ये एक टाइम, ये एकदम से ऐसे नहीं हुआ है, ये पूरा एक प्रोसेस के तहत हुआ है, ठीक है. और ये इसमें अब बहुत खतरनाक बात की होती है कि मतलब जब ये बीइंग प्रोसेस होता है सब कुछ, उस वक्त आपको अंदाजा नहीं हो रहा होता. जब बिगाड़ पैदा हो जाता है उस वक्त आपको पता चलता है कि यार ये तो मुझे पहले करना चाहिए था, ये तो मुझे पहले इस चीज पे कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए था, लेकिन उस वक्त बड़ी देर हो चुकी होती है. तो इसीलिए मेरा दिल ही नहीं करता, मतलब मैं उन चीजों पे आके बात करूं और मैं इस तरह के टॉपिक्स रखूं और आऊं यहां पे गाने चलाऊं चला जाऊं, दिल ही नहीं करता यार मेरा. मैं नहीं कंफर्टेबल रहता इस चीज से, ठीक है. अब इसमें मेरा ये है कि मुझे अब ये नहीं है कि किस बंदे को ये चाहिए, ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग एंड ऑन रेकर्ड स्पीकिंग, ठीक है. मुझे अगर इस मुझे नहीं इस चीज इन चीजों से फर्क पड़ता है. हाँ थोड़ा सा फील होता है कि यार मतलब इन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, मतलब ये किन लोगों को अपने फॉलोअर्स बना रहे हैं और किन चीजों के ये पीछे पड़े हुए हैं. बाकी अगर नहीं भी कुछ सुनने वाला होगा तो भी मैं यहाँ पे सुनाऊंगा आके, और यही मैं करता आ रहा हूँ और मुझे इससे बड़ा सुकून मिलता है ये सब कुछ करके, ठीक है. मैं आगे इब्रार बैठा हुआ था वहां पे, तो वो हम इसी पे बात कर रहे थे, उसने दो तीन एग्जांपल्स दी कि उमर भाई यहाँ पे मतलब लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, लोगों की डिमांड नहीं है ये सारा कुछ ना, तो दूसरा ढूंढते नहीं है लोग. मैंने कहता ट्राई किया दो तीन ऐसे प्लेटफॉर्म पे, मैंने इस तरह का कंटेंट डाला तो उस पे हार्डली जो है ना वो बड़ी कम ट्रैफिक आई, 10% उस पे ट्रैफिक आई. तो एज कम्पेयर टू मैंने ऐसा कॉन्टेंट डाला जो कि इंतहाई फजूल था और उसमें कोई लर्निंग नहीं थी, उसमें सिर्फ मैंने मतलब ऐसी फजूल सा वो चीजें उसमें कही हुई थी, बताई हुई थी और टाइम पास, उस पर कहते हैं बहुत ज्यादा ट्रैफिक आया. तो फिर मैंने उसको कहा, इब्रार को, मैंने कहा इब्रार बात ये नहीं होती, देखो लोगों को अवेलेबिलिटी उनको हमेशा देनी चाहिए. अब ऐसा इससे आप ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि ये लोगों की अब डिमांड नहीं रही है या लोग ये सुनना नहीं चाहते सब कुछ या लोगों को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है. असल में बेसिकली उन जो सही है जिसको वाकई में ये कंटेंट चाहिए उस तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल हो रही है. क्यों मुश्किल हो रही है? क्योंकि इसके अलावा कंटेंट पहुंच रहा है उसके पास. आप इमेजिन करें आप एक ऐसी भीड़ में हैं कि वहां पे आपको एक चीज चाहिए और वो चीज काफी दूर पड़ी हुई है, ठीक है, और उस भीड़ के अंदर ज्यादातर लोग उस चीज को देखने नहीं आए ना उसको वो लेने आए हैं, ठीक है, वो किसी और चीज को देखने आए और वो बड़ी फ्रंट पे पड़ी हुई है. अब डेफिनेटली आपको मुश्किल होगी वो चीज लेने के लिए जो आपको चाहिए, या फिर उस चीज को भी अगर आप तक आना है तो भी उसको उतनी मुश्किल आने वाली है. तो ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी थोड़ा फेस कर रही है, ये चैलेंज फेस कर रही है. बाकी कहीं ना कहीं मिक्स क्लाउड पे मैंने उसको एक बार को एक एक्सपीरियंस बताया फिर अपना. मैंने कहा मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसने मुझे बड़ा हैरान किया मेरी रेडियो लाइफ में. अब वो क्या हुआ कि मिक्स क्लाउड मैंने कहा सबसे मतलब अननोन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मतलब बहुत ही लो रेटेड वो ऐप है और शायद ही किसी ने उसका नाम सुना हो, लेकिन वो उसके ऊपर शोज आप सुन सकते हैं काफी सारे. तो अब वहां पे मैं अपने शोज अपलोड करता था 3-4 साल पहले,
ठीक है, ऐसे ही मैं कर देता था कि चलो अब मैं इस सेंस इसलिए नहीं मैं करता था कि लोग चलो वो सुनते रहेंगे या फिर मेरी आवाज वहां पे रह जाएगी, मैं इसलिए अपलोड करता था कि यार अगर कल को मुझे कुछ चीज चाहिए होगी तो मैं एटलीस्ट यहां से ले सकूं, क्योंकि दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो वहां से ना मिक्स क्लाउड के ऊपर, अब वो बंदे का मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कि किस तरह से लोग आपको कई दफा ढूंढ रहे होते हैं और किस तरह से कभी उस तक वो चीज पहुंचती है जिसको चाहिए होती है। अब वो एक शख्स था, उसने मिक्स क्लाउड पे मुझे सुना, डायरेक्ट नहीं सुना उसने मुझे, ठीक है, और वो यहां का है भी नहीं था, मिक्स क्लाउड पे कहीं उसने सुना। उस वक्त मैंने ना कोई आईडी बनाई हुई थी कहीं और, सिर्फ मेरे शोज होते थे, अब आके तो डिफरेंट आईडीज बन गई हैं। उसने पता कितनी देर तक वो बंदा सर्च करता रहा, और जब फिर हमने फेसबुक की आईडी बनाई उसके बाद कहीं मैंने उस पर लिंक डाल दिया कि चलो यार यहां से अगर किसी को पता चले, किसी ने कुछ कहना है, फीडबैक देना है तो वहां पे दे दे, उस बंदे ने अप्रोच किया और उसने कहा कि मैं कम से कम 2 साल तक मैं सर्च करता रहा हूं, और वो बाकी शोज मेरे बहुत पुराने थे और उसके ऊपर लिसनिंगशिप कितनी थी क्योंकि मिक्स क्लाउड को किसी को पता नहीं है उसका ऐप का, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20 थे मेरे लिसनिंगशिप वहां पे, ठीक है, और वो 20 में से वो एक बंदा था। अब अगर मैं जाता क्वांटिटी के ऊपर कि यार यहां पे तो वो लिसनिंगशिप ही नहीं है, दूसरा यार यहां पे ये कौन सा कोई इस्तेमाल करता है, अब उस बंदे को इससे क्या फायदा हुआ है मुझ तक पहुंचने का, और उसके बाद क्या कुछ उसने जो मुझे सारा बताया जो हुआ है वो मैं नहीं आपको बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए इतना ज्यादा इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था कि मैंने उस दिन से मैंने फिर मजीद अपने साथ मैंने कमिटमेंट की कि जो कुछ मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक इस वजह से मैं नहीं छोड़ूंगा कि अगर मुझे कोई ये कहेगा यार क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से, आपके करने से क्या होता है, देयर आर अ लॉट ऑफ हंड्रेड ऑफ पीपल डूइंग दैट, वो सारा वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वो सारे करें, आई एम जस्ट डूइंग माय वर्क, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, ठीक है, और मैं सिर्फ अपना पैगाम दे रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, तो मुझे अगर इन चीजों से सुकून मिलता है, और फिर कहीं ना कहीं आप में से लोगों की भी ये डिमांड्स हैं, मैंने आगे भी 12 कहे मैंने इकट्ठे किए हैं लोग कि लिसनरशिप जो अब है मेरे पास, मैंने वो घोड़ों वाली मिसाल आपको दी थी, आपको याद होगा जो पुराने लिसनर्स हैं, कि असल में होता है कि आपकी कंडीशनिंग किस एनवायरमेंट में की गई होती है, ठीक है, कुछ लोग मेरा शो सुन के अनकंफर्टेबल होते हैं, फौरन स्विच ऑफ कर देते होंगे, कुछ लोगों को पता नहीं इस शो से क्या मिलता होगा, क्या है कंडीशनिंग है, टेस्ट है, ठीक है, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, उनकी प्रायोरिटीज हैं, उनकी वैल्यूज हैं, ठीक है, जो कि उनको मतलब करती हैं कि यार ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, और कंटेंट चाहिए, नहीं चाहिए। अब वो मिसाल क्या थी, मैंने बताया था कि हम एक होता है घोड़े जैसे होते हैं ना, उनकी भी किस्में होती हैं, आपने कभी सोचा कि जो जंगों में घोड़ों को दौड़ाते हैं और जो लड़ाया जाता है उनसे, जंग के लिए जिनको तैयार किया जाता है, मैंने उसमें ये थोड़ा एक्सप्लेन किया था आपको एक दफा कि अगर जो हॉर्स ऑफ द वॉर जो है ना, जो जंग में लड़ने वाला घोड़ा है, आप अगर उसको दोनों को बदल देंगे ना, जो सेरेमनी वाला हॉर्स है, हॉर्स ऑफ द सेरेमनी, जो शादी ब्याहों पे नाचने वाला घोड़ा है, उसकी तरबियत की गई होती है कि वो नाचे ऐसे माहौल में और वो बड़ा इंजॉय करता है और लोगों को भी वो करवाता है, अगर आप इन दोनों घोड़ों को बदल दें, इनकी प्लेसमेंट आप बदल दें कि जो जिस घोड़े को आपने जंग के लिए तैयार किया था उसको आप किसी शादी पे ले जाएं, वो वहां जाके पागल हो जाएगा, वो अजीब तरह की वो हरकतें करना शुरू कर देगा, वो पैनिक हो जाएगा, हालांकि वो उसके लिए कंफर्ट जोन है कि वो उसको मतलब उस तरह लड़ना नहीं पड़ेगा, उसके लिए चैलेंजेस नहीं है, उसको कोई खतरा नहीं है, मतलब उसको क्या चाहिए, सिर्फ वो डांस करके दिखा दे, ठीक है, वो थोड़ा एंटरटेन करके दिखा दे, लेकिन उसके लिए वो ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए वो पागल हो जाएगा ये सब कुछ करके, उसको समझ ही नहीं आएगा, उसके लिए इन्वायरमेंट ही बहुत डिफरेंट है, वो उसको तैयार ही नहीं किया गया इस चीज के लिए, उसकी कंडीशनिंग ही नहीं हो गई हुई इस तरह की, उसने कभी देखा ही नहीं है इस तरह का माहौल। अच्छा, अब सिमिलरली वाइस वर्सा, अब आप पूछेंगे वो जो अगर शादी वाला घोड़ा है उसको आप किसी जंग में ले जाएं, उसको आप जंग के मैदान में उतार दें, वहां जाके पागल हो जाएगा क्योंकि उसको तैयार नहीं किया गया उसके लिए, उसकी कंडीशनिंग नहीं की गई उसके लिए, वो वैसे इन्वायरमेंट में पला बड़ा नहीं है, उसको वैसा ट्रेन नहीं किया गया है, तो इट्स ऑल अबाउट कंडीशनिंग, हाउ यू रेज्ड, आपको किस तरह से रेज किया गया, आपको क्या इस सेंस में रेज किया गया कि आप जो चपरासी है कंपनी का उसकी भी उतनी ही इज्जत करते हैं और जो सीईओ है कंपनी का आप उसकी भी उतनी ही इज्जत करते हैं,
इट्स ऑल मैटर ऑफ क्या द वे यू रेज्ड, आपके माँ बाप ने आपको कैसा बड़ा किया, सिखाया क्या कुछ. और अगर आप में ये कॉन्फ्लिक्ट है जी कि नहीं वो थोड़ा नीचा है, वो थोड़ा बड़ा है, उसका स्टैंडर्ड्स ये है, उसका लाइफस्टाइल ये है, थोड़ा ऐसे होना चाहिए, थोड़ा वैसे होना है, तो भी ये आपकी तरबियत है. ठीक है, तो हम सारे मतलब अलग अलग जगहों से आए हुए हैं. ठीक है, तो मेरा सिर्फ मकसद ये है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर ऑल पीपल. ठीक है, तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घोड़े इकट्ठे किए हैं. ठीक है, जिनमें से काफी सारे मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि दे अंडरस्टैंड. ठीक है, दे गिव मी फीडबैक और वो बड़ा उसको सीरियस लेते हैं. मैं एक बात कर रहा होता हूँ, एक लिसनर है वो उसको बड़ा लाइट ले रहा होता है, वो सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है. लेकिन इन्हीं में से ऐसे लिसनर हैं जब मैं वही बात सेम कर रहा होता हूँ तो वो पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, तो किस सोच में निकल जाते हैं, और वो उसको इतना डिग डाउन करते हैं, वो उस पर इतना सोचते हैं कि वो बदल देते हैं, मतलब अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं, वो अपने दिन को बदलना शुरू कर देते हैं, उनकी रूटीन में चेंज आ जाता है. और कुछ हैं वो गाने सुनने आते हैं, कुछ म्यूजिक सुनने आते हैं, तो ये सारा एक पैकेज है. सिमिलरली लाइक ए लाइफ, जिंदगी एक पैकेज है, इसमें आपको गम दिए जाएंगे, आपको खुशियां दी जाएंगी, आपको रंज मिलेंगे, आपको धोखे मिलेंगे, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, वही दोस्त फिर आपको धोखा देंगे, आपके साथ बुरा किया जाएगा, दे स्टैब इन योर बैक, आपको पीठ पीछे आपको मारा जाएगा, कभी आपके सामने, कभी आप पीछे से, कभी आपको ऑनेस्टी शो करनी पड़ेगी, कभी आपको गद्दार लोग मिलेंगे, कभी आपको लॉयल्टी मिलेगी. इट्स ऑल अबाउट लॉयल्टी, सब कुछ. लॉयल्टी इतनी बड़ी चीज है कि एक बाप जो है कि खूनी रिश्ते भी जो होते हैं ना, उनमें भी आपने देखा होगा कि ब्लड रिलेशंस होते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे के ऊपर. बाप बेटे को हिस्सा तक नहीं देता, बाप बेटे को 1% भी हिस्सा नहीं देता, और वो बड़े टाइम से पहले कह देता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास. क्यों? लॉयल्टी नहीं होती इसमें, इवन कि उनका ब्लड रिलेशंस है. और कई दफा स्ट्रेंजर्स में इतनी लॉयल्टी निकल आती है कि उनमें कोई खूनी रिश्ता भी नहीं होता, दूर दूर तक आप कि वो वाकिफ नहीं होते हैं, स्ट्रेंजर होते हैं आपको, सिर्फ वो रस्ते में मिले होते हैं लोग, लेकिन वो लॉयल्टी इतनी शो कर देते हैं आपको कि आप